मोदी सरकार नए साल से पहले देश के 12 करोड़ से ज्यादा किसानों को बहुत बड़ी सौगात दे सकती है। सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि दोगुनी करने पर विचार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो केंद्र सरकार किसानों को सालाना 6,000 की जगह 12,000 रुपए 3 समान किश्तों में देगी। संभव है ये इजाफा अगली किश्त यानी दिसंबर से मार्च में किसानों के खाते में 2,000 रुपए की जगह 4,000 रुपए आए। हालांकि केंद्र सरकार ने मंत्री के इस दावे की पुष्टि नहीं की है। वहीं आम किसानों को भी ये उम्मीद है कि 2024 से पहले सरकार पीएम किसान की राशि में इजाफा कर सकती है। इस बात की चर्चा पिछले 1.5 महीने से किसानों के बीच हो रही है। इस चर्चा को बल तब मिला जब बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने हाल ही में दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। मीडिया रिपोर्ट्स में मंत्री के बयान को लेकर खबरें चली कि पीएम किसान सम्मान निधि की रकम दोगुनी होने वाली है। सरकार ने इसकी पूरी तैयारी भी कर ली है। बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब तक केंद्र सरकार 2,000 रुपए की 9 किश्त जारी कर चुकी है। पहली किश्त के रूप में जहां 3,16,06,630 किसानों के खाते में 2,000 रुपए की रकम पहुंची, तो 9वीं किश्त में अब तक 10,30,64,145 किसानों को पैसा भेजा जा चुका है। अभी 30 नवंबर तक बाकी बचे किसानों के खाते में 9वीं किश्त के पैसे भेजे जाएंगे। इसके बाद 1 दिसंबर 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच पीएम किसान की 10वीं किश्त आने लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।